फिक्स द वैल्यू विथ डॉलर साइन इन अ फार्मूला। एक्सेल के अंदर अगर आप चाहते हैं कि आप जब रोज को या कॉलम्स को ड्रैग करें तो फार्मूला जो है वो चेंज ना हो, यानी रो या कॉलम का रेफरेंस चेंज ना हो, तो वो हम किस तरह कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ टेबल है, उस टेबल में हमारे पास टोटल सेल आ रही है जो कि यूएसडी करेंसी में है, और अगर हमें किसी दूसरी करेंसी में सेल देखनी है तो हम यहाँ पर पहले एक फार्मूला ऐड करते हैं। एक्सचेंज रेट जो है वो हमारे पास यहाँ पर है, तो प्रेस करें इक्वल टोटल सेल को सिलेक्ट किया माउस से, रेफरेंस दिया D3 इनटू एक्सचेंज रेट। अब इसको आप ड्रैग कर लें, तो जैसे ही आप इसको ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे कि पहले सेल में तो फार्मूला ठीक है लेकिन दूसरे में जीरो आ रहा है, तो ये गड़बड़ कहाँ हुई है। F2 प्रेस किया तो दूसरे में एक्चुअली रेफरेंस जो है वो चेंज हो गया, K2, K3, K4, K5 ये आगे को चला गया, क्योंकि जैसे ही हमने इसको ड्रैग किया तो एक्सेल ऑटोमेटिकली जो है वो रो रेफरेंस को नेक्स्ट नंबर असाइन कर देता है। तो रो रेफरेंस को अगर फिक्स करना है तो आप सबसे पहले फार्मूले को एडिट करें F2, और इसके बाद जिस रेफरेंस को भी आपको फिक्स करना है उससे पहले डॉलर का साइन लगा दें, या कीबोर्ड से F4 प्रेस करें तो ऑटोमेटिकली डॉलर साइन ऐड हो जाएंगे, एंटर, और इसको ड्रैग कर लें। तो ये देखिए हमारी कैलकुलेशन अब बिल्कुल ठीक हो गई है। अब किसी भी सेल में आप F2 एडिट करके देखें तो आपका रेफरेंस जो है वो फिक्स रहा है K1। तो इस तरह हम रेफरेंस को फिक्स कर सकते हैं। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि हमारा कॉलम तो चेंज हो ही नहीं रहा, वो तो K ही रहता है, सिर्फ रो चेंज होती है, तो हम डॉलर साइन को K से पहले ख़त्म कर सकते हैं। तो इसको ख़त्म करके अगर आप ड्रैग करेंगे तो भी आपका फार्मूला फिक्स रहेगा, क्योंकि कॉलम में ड्रैग करते हैं टॉप टू बॉटम तो कॉलम चेंज नहीं होता, सिर्फ रो चेंज होती है, तो रो से पहले डॉलर साइन लगाएंगे। अब हम दूसरे टेबल में जाते हैं जहां हम दोबारा से एक्सचेंज रेट अप्लाई करके फार्मूला कैलकुलेट करेंगे कि टोटल सेल AD में कितनी है। तो यहाँ पे आप प्रेस करें इक्वल, रेफरेंस दे दें टोटल सेल का B16 मल्टीप्लाई डॉलर K1, एंटर। तो ये देखें हमारे पास टोटल सेल AD में आ गई। यहाँ पे हमने डॉलर की साइन जो है वो K से पहले दिए, क्यों, क्योंकि अब हम फार्मूला जो है वो रो वाइज ड्रैग करेंगे, जब रो वाइज ड्रैग करेंगे तो कॉलम चेंज होता है, रो चेंज नहीं होती। तो इसका मतलब है कि K जो है वो कॉलम के नाम है, तो K जो है वो चेंज होगा, तो उसको हमने फिक्स कर दिया, जबकि 1 जो है वो हमारा चेंज नहीं होगा क्योंकि रो हमारी 1 ही रहेगी, तो इसलिए 1 से पहले हमने डॉलर साइन नहीं दिया। तो अब अगर हम इसको ड्रैग करेंगे फार्मूले को तो आप देखिएगा कि 1 जो है वो सही रहेगा, इवन वहाँ पर डॉलर साइन नहीं है और K के रेफरेंस को हमने फिक्स कर दिया। तो इसको ड्रैग कर लेते हैं, तो ये आप देखें कि K जो है वो K1 ही है हर जगह पे, क्योंकि K के रेफरेंस को हमने फिक्स कर दिया।